जब सफाई किया तो ऐसा लग रहा था कि मैंने खुद बदन को साफ किया है। जब भी कोई गंदी चीज़ होती है हमारे अतराफ में, जब उसको साफ करते ना तो लगता है उससे साफ नहीं किया बल्कि खुद को साफ किया है, ऐसा लगता है। ये है भक्का, ये मछली, यहाँ के फेमस डिश। फर्स्ट जनवरी है आज, और आज का मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त और ख़राब है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू बैक माई न्यू व्लॉग। दोस्तों एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आपका खुश आमदीद है। दोस्तों जैसा कि आप मौसम का जो रंग रूप देख रहे हैं, जनवरी आते ही मौसम ने अपना तेवर बदल लिया है। जनवरी ठंडी के नाम से काफ़ी मशहूर है और वाकईतन नामों का बिल्कुल असर पड़ता है। देखिए जनवरी आते ही ये देखिए कोहरा कितना छाया हुआ है, बिल्कुल घर नहीं दिखता है। इधर देख लीजिए, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये नया साल है और नया साल में नया साल भी आप लोगों को मुबारक हो। मैं आप लोगों से आप लोगों के लिए यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। और पिछले साल जो आपने नहीं किया है, और मैं दुआ करूँगी कि आप वो काम कर जाएँ जो आपने सोच के रखा हुआ है। तो दोस्तों लीजिए, आज भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो आज मैं दुकान को मुकम्मल तौर पे साफ़ करूँगा। हमारे लिए यही हैप्पी न्यू ईयर है, मुकम्मल साफ़ करूँगा, खूब बढ़िया से खूब बढ़िया खूबसूरत बनाना है। और बोलते हैं ना, एक वो है नज़ाफ़तुन सुलेमान, सफाई सुथराई आधा ईमान है। तो दोस्तों लीजिए चलते, अब हम दुकान में नाश्ता से भी फारिग हो चुका हूँ और चले। गैस में दुकान आ चुका हूँ, लेकिन आज इतनी ठंडी है कि मैं क्या बताऊँगा आपको, हाथ काम नहीं कर रहा है और से काम भी बहुत करना है। और देख लीजिए बाहर का नज़ारा, आग ताप रहे हैं सभी लोग। चले सबसे पहले मैं कपड़ा लगाऊँगा, उसके बाद कपड़ा लगाने के बाद आज दुकान की सफाई सुथराई करनी है, क्योंकि रोज़ बोलूँगा आज पेट में दर्द है, बदन में दर्द है, तो काम धरा का धरा रह जाएगा और बहुत सारे कामों का लॉस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पहले इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद। तो दोस्तों लीजिए, अब करेंगे दुकान की सफाई। आज हैप्पी न्यू ईयर में यही मेरे लिए, मैं आज हैप्पी न्यू ईयर में इस दुकान के ही साथ मनाने वाला हूँ। लीजिए अब करेंगे सफाई। यही हमारा हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, चार या पाँच घंटे लगे हैं दुकान साफ करने में। तबीयत भी ख़राब हो रही, खाना भी नहीं खाया हूँ, अभी 3:30 या 4 बज रहे हैं। कंटिन्यू बस अब हो गया है, बढ़ जाऊँगा। दोस्तों देखिए, सुबह से लेके तकरीबन 4-5 घंटे लगे मुझे इन तमाम सामान को सेटअप करने के लिए। कुछ बाकी रह गया, इंशाल्लाह उसको किसी और दिन करेंगे।
गाइस देखिए कल का खाना तैयार हो रहा है। ओह माय गॉड, पेट कितना बड़ा है। रुको जरा दोस्तों, आज का जो दिन है ना बहुत ही ज़बरदस्त गया, क्योंकि भर दिन आज मैं काम बहुत किया हूँ। जैसा कि आप लोग देखे, आज दुकान सफ़ा करने में मुझे तकरीबन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, मात्र अभी एक पार्ट हुआ है, अभी दो पार्ट बाकी है साफ करने के। तो आज मैं एक पार्ट मुकम्मल कर लिया हूँ, तो एक पार्ट साफ करने में मुझे 4 घंटा लगे। अब क्या बताओ, उसके बाद सर भी चकरा रहा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, खाना भी नहीं खाया था दोपहर का, तो उसके बाद बहुत लेट खाना खाया। लेकिन जब सफाई किया तो ऐसा लग रहा था कि मैंने खुद बदन को साफ किया है। जब भी कोई गंदी चीज़ होती है हमारे अतराफ में, जब उसको साफ करते ना तो लगता है उससे साफ नहीं किया बल्कि खुद को साफ किया है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज फिर रात एक शेर आप लोगों की नज़र रख देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ शेर, कुछ ना कुछ अच्छी बात मिलती रहे है इस तरीके से। अभी एक आदमी के मुंह से मैंने सुना, वो मेरे जहन पे ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो शेर कुछ इस तरीके से है कि किसी की नज़र में अच्छा हूँ तो किसी की नज़र में बुरा हूँ, किसी की नज़र में अच्छा हूँ तो किसी की नज़र में बुरा हूँ, हकीकत तो ये है जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा और इंतज़ार करता रहूँगा आपके कमेंट का। और अगर अभी तक आपने हमारे हुसैन उल्टीबाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक नई सोच, नई सुबह में नई सोच और नई फिक्र के साथ आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।